हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। आज बहुत प्यारे बादल हैं और जी बिल्कुल देखें कितने डिज़ाइनिंग से बना हुआ ये बादल। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बहुत प्यारे डिज़ाइन बने हुए बादल के। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर बादल आ गए हैं। ये देखें और बहुत प्यारे बादल के, ये देखें बिल्कुल सीढ़ियों की तरह बने हुए हैं बादल। ये देखें तो गाइस, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से अम्मी का चश्मा था वो सही कराना, तो मैंने वहाँ भी वीडियो बनानी थी, बस मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा अभी बादल आए हैं तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल सीढ़ियों की तरह। ये देखें लाइनिंग हो रही है बिल्कुल। मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो दुआ करें कि बारिश भी आ जाए, लेकिन ये देखें हवा भी चल रही है। ये देखें ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और तो गाइज़ आपके शहर में कैसा है मौसम? गर्मी है या बादल हैं या बारिश है, ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, और ये शेप इतनी अच्छी लग रही है बादलों की, बहुत प्यारी लग रही है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें जी ज़बरदस्त, अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह के नज़ारे हैं। ये देखें बहुत प्यारा, मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा सा आगे करके बताती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी शेप बनी है बादलों की। ये देखें बिल्कुल ये शेप आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें और ये बिल्कुल सीढ़ियों की तरह, ये देखें सीढ़ियों की तरह जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बादलों की। ये देखें और बहुत प्यारा, बहुत बहुत ही प्यारा बादल लग रहा है ये। ये देखें जी, आज मैं सुबह बाज़ार गई थी तो बहुत गर्मी थी और अम्मी के चश्मा देना था, तो पहले मैंने कहा कि वहाँ की वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बहुत गर्मी थी और मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। तो अभी बादल आए हैं तो मैंने कहा चलो बादलों के बना के आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइज़ आपको कैसी लगी ये बादलों की हमारी वीडियो, तो ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ये देखें ये नीम है जी, ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई हैं नमोलियाँ। ये देखें कितनी प्यारी लगी हुई हैं, इनसे तेल बनता है, इनसे कई दवाइयाँ बनती हैं। तो ये देखें कितनी मज़े की ताज़ी ताज़ी सी नमोलियाँ हैं, इसको आप तेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस्म पे ख़ारिश हो इसको इसका तेल बना के लगा सकते हैं आप। तो मैं बना के आपको दिखाऊंगी, इसकी एक रेसिपी आपको बताऊंगी। इसके पत्ते बहुत इस्तेमाल में आते हैं, इसके पत्तों को आप रात को भिगो के रखते हैं, सुबह पीस के इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल शामिल करके सब मिल गए, आपकी जितनी ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी खुश्की वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है और यहाँ पर अल्लाह की कुदरत है कि ताज़ी ताज़ी आपको मिल जाए। ये देखें, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए तो गाइस कैसी लगी आपकी हमारी ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। ये देखें बादलों के नज़ारे, ये नीम है यहाँ पे, ये देखें। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो हमें याद रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने बिल्कुल हाफ सी वीडियो बनाई है, छोटी सी वीडियो बनाई है। ओके अल्लाह हाफिज़।